फर्स्ट टाइम ठीक है इंटरव्यू फेस कर रहे होंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका अपना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। भी है कि जो हिंदी बेल्ट है वो वहाँ पे बच्चे जो हैं इंग्लिश में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, तो पूछना चाह रहे थे कि इंटरव्यू कैसे होगा। तो ये भी पूछते हैं कि क्या हमारा जो इंटरव्यू है वो हमारे होम स्टेट में ही होगा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार आप सभी लोगों को। आज के वीडियो में हम हमारे जो राजेंद्र सर हैं पीजीटी केमिस्ट्री हैं, इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। और यहाँ पे आपको मैं एक बात और बता दूँ, इंटरव्यू चाहे पीजीटी का हो, टीजीटी का हो या पीआरटी का हो, बेस सभी का लगभग एक जैसा ही होता है। तो ये जो वीडियो है वो सभी के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, वो चाहे केमिस्ट्री सब्जेक्ट से बिलोंग करता हो या ना करता हो। पीजीटी वालों को तो सभी को फ़ायदा करेगा ही करेगा, टीजीटी पीआरटी के लिए भी उतना ही ये फ्रूटफुल होने वाला है। इस वीडियो में सर अपने इंटरव्यू के जितने भी एक्सपीरियंस हैं वो सारे शेयर करेंगे, और ये भी बताएंगे कि केवीएस में आने से पहले वो क्या करते थे, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन इन्होंने कैसे की, इंटरव्यू की प्रिपरेशन इन्होंने कैसे की, या पहले से इनको कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस था, वो सारी बातें सर आपके साथ शेयर करेंगे। सर आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप फ्रेशर हैं तो किस प्रकार से आप केवीएस में इंटरव्यू की तैयारी करें, आपको कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो सारी बातें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम सर का धन्यवाद करेंगे कि इन्होंने अपना कीमती टाइम है वो निकाला है और आप लोगों के सहयोग करने के लिए। और बेसिकली एक बात ये है कि हम लोग सभी टीचर्स हैं और हम आपकी मदद करके बहुत खुश हो रहे हैं कि अगर हमारा वीडियो देख के हम ये निष्पक्ष भाव से एक ये मान लो कि हम आपके लिए सेवा ही कर रहे हैं, अगर हमारे एक्सपीरियंसेस से और हमारा वीडियो देख के अगर आपको कोई फ़ायदा हो रहा है, अगर एक सिंगल कैंडिडेट भी हमारे वीडियो को देख के सिलेक्ट हो जाता है तो वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं राजेंद्र सर को माइक दे रहा हूँ और ये अपने कुछ एक्सपीरियंसेस बताएंगे। सबसे पहले सर अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि कहाँ से बिलोंग करते हैं और उससे पहले इनकी एजुकेशन रही है वो क्या रही है, टीचिंग सेक्टर में कैसे आए, वो सारी बातें बताएंगे। क्योंकि ये जो बातें हैं ये भी इंटरव्यू के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये एक आपका एक बेस बना देते हैं, यहाँ से भी आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन आ जाते हैं। थैंक यू सर। तो बेसिकली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़, तो मैं पिथौरागढ़ से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने जो अपनी क्लासेज हैं या अपनी जो स्टडीज़ हैं वो केंद्रीय विद्यालय से ही कर रखी हैं। तो मैंने केंद्रीय विद्यालय से ये सबसे बड़ा आपको एक एडवांटेज मिलेगा, जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए जाओगे और पैनल आपके क्वालिफिकेशंस के बारे में पूछेंगे और अगर आपने बोला कि मैं केंद्रीय विद्यालय से हूँ, तो फिर जो आप लोग से जो क्वेश्चंस हैं वो सोच लीजिए कि काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं आपके केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड ही होंगे, कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ठीक है, जो आपके टीचर्स थे, तो काफ़ी चीज़ें उससे रिलेटेड होती हैं। तो सर इसमें एक बात ये भी हो सकती है कि मान लीजिए कोई हमारा कैंडिडेट है जी सर और उसकी एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय से हुई है जी सर, तो हम उनको ये सलाह देना चाहेंगे कि जैसे मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, सपोज करो मैं इंटरव्यू पैनल में बैठा होता तो मैं क्या क्वेश्चन पूछता जी सर, मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछता कि ठीक है आप ये बताइए कि क्लास टेन में आपको केमिस्ट्री कौन पढ़ाता था। जी 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 ठीक है, क्लास टेन में केमिस्ट्री कौन पढ़ा था, इन दी सेंस क्योंकि क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी के पोर्शन होते हैं, अगर हम हमारे स्कूल का एग्जाम्पल लें तो केमिस्ट्री सर पढ़ाते हैं, फिजिक्स मैं पढ़ाता हूँ और बायो पोर्शन है वो हमारा बायो टीचर पढ़ाता है क्योंकि हमारे पास टीजीटी साइंस नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और सिमिलरली अगर आप केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हैं तो आपके लिए तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस वो रहेगा सर, वो एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल। तो वहाँ से इंटरव्यू वाला आपसे भी पूछ सकता है कि ठीक है तो आप ये बताइए कि आपको क्लास 11 12 में केमिस्ट्री कौन पढ़ाता था। जी जी जी। और हो सकता है कि उनमें से कोई उनका जानकार निकल जाए क्योंकि केंद्रीय विद्यालय है एक मिनी इंडिया है और नॉर्मली जो टीचर्स होते हैं वो एक दूसरे को जानते रहते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि साल में एक या दो मीट टीचर्स का हो जाता है, किसी न किसी ट्रेनिंग के मकसद से हो जाता है, कभी पेपर चेकिंग में मिल जाते हैं और हो सकता है उनमें से कोई इंटरव्यू पैनल में बैठा हो, है ना। तो आप जैसे ही बोलेंगे कि मैं केंद्रीय विद्यालय से हूँ तो आप अपने पुराने टीचर्स को ज़रूर याद कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, आप पहले से ठीक है प्रिपेयर होइएगा कि सबसे पहले तो जो जैसे सर ने बताया आपको कि आप अपने जो केमिस्ट्री ठीक है टीचर हैं उनका तो स्पेसिफिक उनका नाम याद रखिएगा, और हो सके तो जो प्रिंसिपल सर हैं उनका भी अगर आप नाम याद रखेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ये है कि जो उस टाइम का प्रिंसिपल है हो सकता है कमिश्नर बन गया। बिल्कुल 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 डेफिनेटली। और होता ये है कि जो पैनल में आपके 4 या 5 ठीक है टीचर्स बैठे रहते हैं, मतलब जो एक्सपर्ट बैठे रहते हैं, उनमें से जो आपका एक होंगे वो आपके साइकोलॉजिस्ट भी होंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी होंगे, एज वेल एज प्रिंसिपल भी होंगे, तो वो आप लोगों को जज करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट तो अपनी जगह ठीक है इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंटरव्यू फेस कर रहे हो तो इसमें तो कोई बोलने की बात ही नहीं है कि आप में सब्जेक्ट कमांड अच्छा होगा करके। तो वो सब्जेक्ट कमांड के एक्सेप्ट आप पे कॉन्फिडेंस देखते हैं,
और देखिए जैसे आप जब KVS को ज्वाइन करेंगे तो KVS में जो भी टीचर है वो आपका मल्टी टैलेंटेड होता है, वो केवल एक सब्जेक्ट में नहीं, उसको यहाँ पर अब आप जब आएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी करनी होंगी। जैसे मैंने अपनी पूरी जो लाइफ टाइम है उसमें मैंने कोचिंग में ही पढ़ाया, तो मुझे केवल कोचिंग में केवल मुझे पढ़ाने का ही पता था, बस मुझे उसके अलावा सच बताऊं तो मुझे कुछ नहीं आता था। लेकिन लगभग जब से मैंने KVA ज्वाइन किया है तो मैंने उसके एक्सेप्ट स्टडीज़, मैंने थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन भी देखा है। मैं कभी स्कूल में परमानेंटली नहीं पढ़ाया, मैं केवल 1 या 2 आवर के लिए जाता था, तो मेरा एक्सपीरियंस भी मेरा ठीक है, इंटरव्यू में बहुत बेटर नहीं था, मैंने कभी इंटरव्यू फेस ही नहीं किए, तो ये मेरे लिए ठीक है न्यू एक्सपीरियंस था। तो मेरे हिसाब से आप में से बहुत सारे ऐसे ठीक है क्या होंगे बता एस्पिरेंट होंगे जो फर्स्ट टाइम ठीक है इंटरव्यू फेस कर रहे होंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका अपना कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। वो जो भी क्वेश्चंस पूछें, देखिए वो आपसे कभी भी जो इन्वायरमेंट है वो हमेशा इन्वायरमेंट को लाइट करने की कोशिश करेंगे, वो इन्वायरमेंट को कभी हार्ड करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपको कोई पर्सन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल करेगा तभी आपका जो बेस्ट है वो बाहर आ पाएगा। और KVS में जो भी जिनका भी ठीक है सिलेक्शन होता है वो अपने में परफेक्ट होते हैं, और वो जो वहाँ पर पैनल में बैठे हैं एक्सपर्ट वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो ये तो मत समझिएगा कि कभी भी वो आपके साथ कोई ठीक है नेगेटिव ठीक है काम करेंगे, बस आपने पॉजिटिविटी दिखाना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ अगर झूठ बोलेंगे या फिर कुछ एक्स्ट्रा शो करने की कोशिश करेंगे तो वो आसानी से उसको पकड़ लेंगे। तो जो भी चीज़ है आप उसमें बिल्कुल ठीक है ट्रू बताइए, और उनको आपको बताइए कि प्लान ठीक है आपके क्या क्या है। जैसे अगर वो आपसे पूछेंगे कि भाई अगर आप KVS में आ जाते हो तो एक्सेप्ट स्टडीज़, मतलब आप स्टडीज़ के अलावा और क्या KVS के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आपने जस्ट ये बोलना है कि अगर मैं KVS में जाऊँगा तो जो हमारे जो प्रिंसिपल होंगे जो सबसे हेड ऑफ ठीक है आपके जो KV होंगे वो मुझे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे मैं उसमें आपका अपना क्या दूंगा 100% दूंगा। तो सर यहाँ पे एक बात और इम्पोर्टेंट है, जी सर, कुछ केसेस में ये भी हो सकते हैं, क्योंकि आप KV का इंटरव्यू दे रहे हो तो जो KVS है केंद्रीय विद्यालय संगठन है ये एजुकेशन सेक्टर में देश का एक जाना माना संगठन है, KVS एंड NVS है ना, तो क्योंकि आप KVS का एग्जाम दे रहे हो तो आपको KVS की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर पता होना चाहिए कि KVS एस्टैब्लिश कब हुआ था, इसका फाउंडेशन कब हुआ था, इसका मकसद क्या है, मोटो क्या है KVS का, इसकी टैगलाइन क्या है। जैसे KVS का हमारा जो लोगो है उस पर लिखा है तत् तवम पोषण अपावृणो, ये लिखा है, तो ये पूछ सकते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है, है ना। तो आप KVS के बारे में ये सारी बातें हैं अच्छे से जानकारी लेके जाएं, अपने सब्जेक्ट के साथ भी KVS की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है वो भी आप अपने साथ जानकारी इकट्ठी कर लें, क्योंकि हो सकता है पूछ ले आपसे, क्योंकि आप केंद्रीय विद्यालय संगठन अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो पूछ सकता है कि क्यों करना चाहते हो, आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि मुझे केंद्रीय विद्यालय संगठन ही करना है, आपसे पूछ सकता है कि आप टीचर ही क्यों बनना चाहते हो और फिर KVS में ही टीचर क्यों बनना चाहते हो। बायोडेटा के अंदर भी एक इस प्रकार से एक स्टेटमेंट एक कॉलम होता है आपका पास पूरा, उसके अंदर पूछते हैं कि आप इस जॉब के लिए अपने आप को कैसे सुटेबल समझते हैं, आप डिस्क्राइब करके बताओ 100 वर्ड्स में ऐसे कुछ, तो वो भी आप कैसे लिखेंगे उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। मैं मेरा अपना जो बायोडाटा है जो मैंने फिल किया था वो आपको दिखाऊंगा, और अगर सर के पास सेव होगा तो सर भी अपना लेके आएंगे, मैंने तो सेव करके रखा है, तो आपके पास सेव है सर? लगभग मेरे पास भी है। हाँ, तो सर के पास भी हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो उसके बाद अब हम ये देखना पूछना चाहते हैं कि जो सर का इंटरव्यू कहाँ बताया था सर आपने? मेरा भोपाल में हुआ था सर, का भोपाल में हुआ था। तो कई कैंडिडेट हमसे ये भी पूछते हैं कि क्या हमारा जो इंटरव्यू है वो हमारे होम स्टेट में ही होगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे सर उत्तराखंड से हैं, इनका भोपाल में हुआ था, तो आई थिंक उस सेशन में जब हमारा इंटरव्यू हुआ था तो केमिस्ट्री के जितने भी लोग थे सभी का भोपाल में ही हुआ था, वो चाहे कर्नाटक से बिलोंग करता है, वो तमिलनाडु से करता है, कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो साउथ इंडिया से बिलोंग करता है, नॉर्थ इंडिया से करता है, ईस्ट से करता है, वेस्ट से करता है, सेंटर भोपाल था, केमिस्ट्री का भोपाल में ही होने वाला है। सिमिलरली जैसे फिजिक्स का हुआ था तो फिजिक्स का गुरुग्राम में हुआ था, ऑल इंडिया गुरुग्राम में ही कैंडिडेट आए थे। तो ऐसे आपको अलोकेशन जो भी होगी सेंटर की, तो जो इंटरव्यू लेटर आपके पास आएगा वो तो उसके अंदर मिल जाएगा कि आपका इंटरव्यू कहाँ होना है, किस डेट को होने वाला है। अब जैसे सर का भोपाल में हुआ था तो सर उसमें ये बताएंगे अभी कि जब वो इंटरव्यू वाले दिन गए थे तो उस दिन इनकी मनोस्थिति क्या थी, वो कैसे डिप्रेशन वगैरह में तो नहीं थे? जनरली तो ऐसे होता है कि अगर आप डिप्रेशन में नहीं होंगे तो आपका जो आउटपुट है वो अच्छा ही आएगा, तो हम तो आपको यही सलाह देंगे कि डिप्रेशन में ना आए। हालांकि सलाह देना एक अलग बात है और उस पर अमल करना रियल में वो एक दूसरी बात होती है, लेकिन फिर भी ये तो आपको पता ही है अगर आप डिप्रेशन में आएंगे तो जो आपको आता है वो भी आप भूल जाओगे, तो डिप्रेशन में आने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि आप डिप्रेशन में आ जाएंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी या इंटरव्यू क्वालिफाई कर देंगे, वो तो आपके हाथ में है नहीं।
हाँ ये ज़रूर है, अगर आप डिप्रेशन में नहीं आएंगे और आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो कुछ चीज़ों को अपनी इच्छा के अनुसार तुम ज़रूर मोल्ड कर सकते हो, रिजल्ट को तुम थोड़ा ज़रूर इंक्रीज कर सकते हो या उसको पॉजिटिव इन्वायरमेंट वहाँ पे तुम क्रिएट कर सकते हो। तो सर उसके बारे में कुछ बताएंगे अभी कि उनका जो ड्रेसिंग था वो कैसा था और कितने टाइम पहले वो पहुंच गए थे वहाँ पे और पहुंचने के बाद पैनल में कितने लोग थे, वो सारी बातें सर अभी डिस्कस करेंगे। देखिए एक्चुअली क्या है कि जब आप कभी भी इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो ये एक तो एक नॉर्मल सा रूल है कि आप हमेशा फॉर्मल ड्रेस में जाएं, ठीक है। फॉर्मल ड्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो सर, क्योंकि इसका कोड ऑफ हाँ बिल्कुल 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 ठीक है। आप कभी भी ठीक है कैजुअल ड्रेस में ना जाएं। देखो मेरे को वैसे ठीक है कैजुअल ड्रेस ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन उस समय आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ठीक है काम करना पड़ता है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि हम लोग रात से ट्रेन भोपाल पहुंचे, भोपाल के बाद हम लोगों ने ठीक है क्या हो गया होटल पहले से ही ठीक है बुक कर रखा था, तो होटल से गए और उसके बाद सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में हम लोग ठीक है किसके लिए चले गए, इंटरव्यू के चले गए। अब देखो एक होता है कभी कभी इंसिडेंट होते हैं, टिपिकल इंसिडेंट होते हैं, तो हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि जब हम लोग ठीक है स्कूल में जा रहे थे जिस स्कूल में हम लोगों का इंटरव्यू था, तो उसके रास्ते में एक ठीक है कार आई, उसमें एक ठीक है लेडी थी जो उसको ठीक है क्या कहते हैं ड्राइव कर रही थी, तो उन्होंने हमसे ठीक है एड्रेस पूछा। उन्होंने कहा कि जो ये केवी है, केवी जो भोपाल था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि कौन सा भोपाल का केवी था, तो बोला वो कि कहां पर है। तो मैम हमने कहा मैम हम भी ठीक है न्यू हैं, हम भी ठीक है के जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। और आप सोचिए कि जब जिस समय मैं जैसे ही ठीक है इंटरव्यू देने के लिए रूम में गया तो वो जो एक्सपर्ट बैठे थे आपके फाइव, तो उनमें वो भी एक्सपर्ट थी, मतलब वो इंटरव्यू पैनल की मेंबर थी, मतलब। तो सोच लीजिए कि जो भी आपके साथ चीज हो रहा है कि आप फ्यूचर में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला आपको पता नहीं, तो एक चीज तो मान के चलिए कि आपकी फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही आप एक चीज मान के चलिए कि आप इंटरव्यू ठीक है रूम में जैसे ही इंटर करते हैं तो आपको हर जो टीचर है वो अपने अकॉर्डिंग क्या करने लगता है, जज करने लगता है। और एक्सपर्ट पैनल में जितने भी टीचर्स हैं वो आपसे हर कोई 2-2, 3-3 क्वेश्चंस तो आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। आप ठीक है सब्जेक्ट कमांड आपकी बहुत अच्छी है, तो जो मान लीजिए कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो अपने में इतना ज़्यादा एक्सपर्ट है कि आपने बोर्ड में अगर 2 या 3 लाइन भी लिख दिया ना तो उससे वो कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपको आता नहीं आता, बस वो केवल आपका कम्युनिकेशन स्किल देखेंगे। और आपको हमेशा वो कोई ना कोई क्या दे देंगे, सिचुएशंस दे देंगे कि बताइए कि अगर आपके पास ये कंडीशंस होंगी तो आप क्या करेंगे, अगर ये कंडीशंस होंगी तो क्या करेंगे। तो आपको हर चीज़ का बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ठीक है और बिल्कुल अनबायस क्या देना है, ठीक है आंसर देना है, तो आपका इंटरव्यू हमेशा अच्छा ही होगा। और मान के चलिए कि जितने भी आपके ठीक है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उनका आपने बिल्कुल रिलैक्स हो के, बिल्कुल रिलैक्स हो के जैसा आपको लगता है, हाँ थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस हैं उनके आप पहले से ही प्रिपरेशन कर लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि जो बहुत ज़्यादा इंटरव्यू फेस किए होते हैं तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो इंस्टेंटली आपको आंसर आ जाता है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं आता। जैसे सर ने कहा कि आपको लगभग पता होना चाहिए कि आप ठीक है केंद्रीय विद्यालय संगठन को ज्वाइन करने वाले हैं, तो केंद्रीय जो संगठन है उसकी शुरुआत कब से हुई, मतलब उसका ठीक है फाउंडेशन ठीक है डे कब है, कि उसको ओरिजिनली किसके लिए ठीक है बनाया गया था, और जहां से आप स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहां पर कितने केवीएस हैं। तो ये फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि देखिए वहां पर केवल एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट ही नहीं और है, आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि वहां पर केवल एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठा है तो आपको केवल आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही ठीक है पूछेंगे। क्योंकि सर ऐसा है कि वो लोग ये मान के चलते हैं अगर आपने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया है तो आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट तो हैं, आपको सब्जेक्ट अपना अच्छे से आता है। अब बात यह है कि जो चीज़ आपको आ रही है उसको आप स्टूडेंट्स के सामने किस प्रकार से कम्युनिकेट करेंगे और उस जो भी आपको नॉलेज है वो स्टूडेंट्स तक कैसे जाएगा, आप कितनी अच्छी लैंग्वेज में वो बता सकते हैं। जैसे हमारे सर हैं वो तो इतने मजाकिया वे में बच्चों को, किसी बच्चे को ऑक्सीजन बोल देते हैं सर कभी कभी, है ना, और मजाक में बच्चे का नाम ऑक्सीजन निकाल देते हैं। क्यों निकालते हैं उसका एक तो क्या है कि एक क्लास में फ्रेंडली माहौल बन जाता है, और दूसरी बात ऐसे नहीं बोलते कि ऑक्सीजन बोल दिया, वो किसी विशेष सिचुएशन होती है और जब सर ने वो ऑक्सीजन नाम लिया किसी बच्चे का नाम लेके, तो वो जो एक स्पेशल कॉन्सेप्ट है उसको बच्चा कभी फिर भूलता नहीं है, तुरंत बोलेंगे हो सर ने उस केस में ऑक्सीजन बोला था, ऐसे ऐसे इस सिचुएशन के लिए बोला था। तो ये एक एक्सपीरियंस होता है और ये एक आप ये मान लो कि टीचिंग की एक कला भी है, एक आर्ट है टीचिंग में, जिसमें आपको थोड़ा सा टीचिंग को फ्रेंडली बनाना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको आ रहा है और आ रहा है आप तुरंत उसको बके जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं बोलते जा रहे हैं, बच्चे के दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है। इसलिए आप एक बात ध्यान से सोचिएगा कभी भी कि जो पीआरटी टीचर होता है उसके लिए डिप्लोमा इन एजुकेशन हमारे हरियाणा में तो DED ही करवाते हैं, उसको JBT भी बोल देते हैं, बाकी स्टेट में कहीं DLD ऐसे कुछ सर बोलते हैं, मुझे नहीं पता बाकी स्टेट में किस नाम से बोलते होंगे। तो क्लास 12 के बाद ही वो डिप्लोमा हो जाता है, कुछ स्टेट में ग्रेजुएशन के बाद होता है। आप ये सोचिएगा कि बीएड वाला जो कैंडिडेट है वो प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए एलिजिबल क्यों नहीं है, जबकि उसकी तो क्वालिफिकेशन ज़्यादा है।
पीजीटी जो बंदा कर लेता है और अगर उसने डीईडी का डिप्लोमा नहीं किया हुआ है तो उसको तो बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो उसको प्राइमरी के बच्चों के लिए अपॉइंट क्यों नहीं करते? क्योंकि उसका जो टीचिंग वे है वो प्राइमरी के बच्चों के लिए नहीं है, वो प्राइमरी के बच्चों को हैंडल नहीं कर पाएगा, वो केवल बड़े बच्चों को ही हैंडल कर पाता, वो एक लेक्चर मेथड अपनाएगा या वो जो भी टेक्निक पढ़ाने की अपनाएगा वो छोटे बच्चों पर अप्लीकेबल ही नहीं होंगी, तो उसका ज्ञान वहाँ पर हमारे लिए बेकार है। तो सिंपल सी बात यह कि आपको ज्ञान होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है कि उस ज्ञान को आप बच्चों तक संप्रेषित कैसे करते हैं, ये बात बहुत महत्व रखती है सर। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। तो बेसिकली क्या है कि जब आप ठीक है जो इंटरव्यू पैनल है उसमें खासकर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, जब आप बोर्ड में जाएंगे तो बोर्ड में जाने के बाद आप बिल्कुल अपना क्या दिखाया जाता है, बहुत अच्छा सा कॉन्फिडेंस दिखा शो करिएगा। और जब बोर्ड में आप लिखते हैं ना तो कभी भी आप ठीक है छोटी हैंड राइटिंग में लिखेगा, थोड़ा सा हैंड राइटिंग ठीक है बड़े लिखेगा, क्योंकि जो बाकी पैनल में है वो ये ऑब्जर्व करते हैं। जैसे आप मान लो किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं और आप हैंड राइटिंग बहुत छोटी ठीक है क्या लिख रहे हैं तो पीछे वाले को तो नजर आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा सा जो हैंड राइटिंग है ठीक है उसको थोड़ा सा क्या कहेगा, थोड़ा सा बड़ा लिखेगा। और जब जिस समय आप लिख रहे हैं तो अपना टोटली जो बैक है वो पीछे मत करेगा, ये ठीक है हमेशा एक नेगेटिव थॉट जाता है। हाँ, जब आप कभी सर, ये भी बात देखा जाता है कि सर ने जैसे बोला ना कि जब ब्लैक बोर्ड पर लिखें तो अक्सर थोड़े से बड़े हों, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हमारा जो क्लासरूम होगा उसमें बच्चा आपसे जो लास्ट वाला जो बच्चा है वो लगभग आपसे 20 फीट दूर बैठा होगा, 20 फीट। तो राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि 20 फीट दूर जो बच्चा बैठा उसको भी दिखाई दे। और क्योंकि क्लास में कभी कभी स्ट्रेंथ, जैसे हमारे 40 बच्चों की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, कभी कभी 45 तक भी पहुंच जाते हैं, तो अगर इतने बच्चे क्लास में बैठे हैं तो हर बच्चे को दिखना चाहिए। और आप जो कुछ भी कर रहे हो ऐसा नहीं है कि आप बोर्ड के ऊपर लिख रहे हो और आपका ध्यान सारा बोर्ड पर है, बच्चे पीछे क्या कर रहे हैं उस पर आपका ध्यान नहीं है। वो इंटरव्यू में इस बात को जज कर लेते हैं, जब आपको इंटरव्यू में भेजते हैं ना बोर्ड के ऊपर तो वो यही देखने के लिए भेजते हैं कि ये खड़ा कैसे हुआ, लिखा कैसे, जब लिख रहा है तो बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, लिखने के दौरान इसका ध्यान पीछे की तरफ है कि नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आप लिखोगे पीछे मुड़ के देख लोगे, नहीं, आप इतने अलर्ट रहता है टीचर। हम तो अपने बच्चों को बोलते हैं कि हमारी दो आँखें यहाँ पे हैं और दो आँखें हमारे यहाँ पे बैक में भी हैं, तुम क्या कर रहे हो हमें सब पता चलता है, इवन तुम सांस लेते हो तो उसका भी हमें पता रहता है। और ये बोलने के लिए नहीं बोलते, रियली हमारा एक्सपीरियंस इतना हो चुका है पढ़ाते हुए कि हमें इस चीज़ का पता होता है। जैसे मैं पर्सनली मेरा बताऊँ तो मैं 2005 में ग्रेजुएट हुआ था और 2005 से ही मैं टीचिंग सेक्टर में हूँ। वो अलग बात है कि KVS को मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया, क्योंकि कभी मन में था ही नहीं कि गवर्नमेंट जॉब करना है। प्राइवेट सेक्टर में सर भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे जी बिल्कुल, मैं कोचिंग में ही था ठीक है, और मैं भी कोचिंग में काम कर रहा था। हम लोगों ने लगभग 13-14 ईयर्स कोचिंग में काम किया और उसके बाद ये लगा कि ट्राई तो करके देख लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर को भी। और पहली बार हमने एग्ज़ाम दिया और मेरा ये पहली बार नहीं था, मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था। मेरा पहला अटैम्प्ट मैंने दिया तो कट ऑफ से मैं 2-3 मार्क्स पीछे रह गया था, सेकेंड अटैम्प्ट में कट ऑफ से मेरे 10 मार्क्स फालतू थे, और इंटरव्यू में मैंने लास्ट वीडियो में जैसे बताया था 55 मार्क्स मेरे आए थे। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ, देखिए मेरा जो इंटरव्यू था, क्योंकि मैं 13-14 ईयर से टीचिंग सेक्टर में था, तो मेरा तो सारा उसी एक्सपीरियंस का रिजल्ट है। और सर का भी कुछ ऐसा ही? हाँ सर बिल्कुल सेम टू मेरा भी है, बस मैं एक दो चीज़ें और आपको ऐड कर देता हूँ। जैसे आप अगर सब्जेक्ट की बात करें जैसे मैं थोड़ा सा होता है, तो आप एक चीज़ मान के चलिएगा कि जो आपका पैनल होता है जहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा वो ऑल इंडिया में कहीं भी हो सकता है। जैसे जो लास्ट टाइम ठीक है हमारा हुआ था भोपाल में हुआ था, तो मे बी इस बार आपका लखनऊ में हो सकता है, जैसे सर बोल रहे हैं कि गुरुग्राम में हो सकता है, मुंबई में हो सकता है। तो जो पैनल है ना वो भी वैरी करेगा, पैनल वैरी करेगा, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो भी वैरी करेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें लगभग कॉमन होती हैं। ठीक, कॉमन चीज़ें, जैसे आप ठीक है केमिस्ट्री के हैं तो चाहे आपका इनऑर्गेनिक पोर्शन है, ऑर्गेनिक है, फिजिकल है, एटलीस्ट ठीक है हर किसी से, मतलब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल से आप 2-2 या 3-3 टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। सर यहाँ पे कई कैंडिडेट्स का एक क्वेश्चन और भी रहता है। जी जी सर, जी सर, कि जो टॉपिक होता है ना डेमोन्स्ट्रेशन के, जी जी, जो डेमो क्लास का टॉपिक होता है, जी जी, हाँ जी, तो वो कैंडिडेट से सलाह लेते हैं? हाँ सर, मैं उसी चीज के बारे में बता रहा हूँ आपको बेसिकली, कि वो टीचर टू टीचर जो है यानी जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उस पर ठीक है बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि वो आपको कैसी सिचुएशन देता है। वो कभी आपको ये भी बोल सकता है कि आपको कोई भी जो टॉपिक है जो आपका फेवरेट है, जो आपको बहुत अच्छा कंफर्टेबल लगता है, उसको आप एक्सप्लेन करो। तो इसमें फिर आप पे डिपेंड है कि आप ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का या फिजिकल का किसी भी कर दो, क्योंकि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है मे भी हो सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं वो किसी कॉलेज के प्रोफेसर ही होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट, व्हाटएवर, ठीक है वो प्रोफेसर ही होते हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं। तो अगर वो कॉलेज का प्रोफेसर है तो वो इनऑर्गेनिक में होंगे या ऑर्गेनिक में होंगे या फिजिकल में, तो वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप क्या करना कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल में हर किसी में एटलीस्ट दो दो टॉपिक जो अच्छे हो, लगभग ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ही शॉर्ट,
वो कम से कम आपके 10 या 15 मिनट का होना चाहिए। वैसे इतना मिनट लेंगे नहीं, लेकिन वो इतने मिनट के टॉपिक्स होने चाहिए। जैसे अगर आप ऑर्गेनिक में हो तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऐसी ठीक है क्या आता है फिजिकल केमिस्ट्री, ऐसी इनऑर्गेनिक में आप कोई टॉपिक ले सकते हैं। इसके अलावा आप एक चीज़ के लिए और मेंटली प्रिपेयर रहेगा कि वो रैंडमली आपसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनकी मेंटेलिटी नहीं बता सकते। जैसे मुझसे तो ठीक है ऐसा नहीं कहा था, मुझसे तो कहा था कि आपको जो भी ठीक है जो टॉपिक आप कंफर्टेबल हैं आप उसको ठीक है बताइएगा। और थोड़ा सा कम्युनिकेशन लैंग्वेज के बारे में भी मैं बताऊँ तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फ्लुएंट इंग्लिश में होंगे तभी जाके बेटर होगा। जो मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मैं बायलैंग्वेज था, मैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जब मुझे कम्फर्ट हो रहा था तो मैं हिंदी में बोल रहा था, जब मुझे थोड़ा कम्फर्ट हो रहा था तो मैं इंग्लिश में टॉकिंग कर रहा था। और नॉर्मल सा चीज़ है, जो आप सब्जेक्ट ठीक है को जब टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो तो टोटली ठीक है आप लोगों का लगभग इंग्लिश में ही होगा, बस थोड़ा सा जो क्वेश्चनिंग होगी वो होगी। तो इसमें आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत ही बेटर होगी तभी जाके आप इंटरव्यू में आपके बहुत अच्छे ठीक है क्या होंगे मार्क्स स्कोर होंगे, आपके मार्क्स आपके कॉन्फिडेंस से स्कोर होंगे। यहाँ पे एक बात है, एक बात तो क्लियर होगी, काफ़ी जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने पिछले वीडियो में कमेंट करके पूछा था हमसे, और वो बातें जब भी सर से डिस्कशन हुआ तो खुल के सामने आ गई। जैसे जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो मुझे चॉइस नहीं दिया गया था, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट था सर जी उसने अपनी तरफ से टॉपिक दिया था, मुझे बोला ठीक है आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन करो, और सर के केस में सर को चॉइस दे दी गई थी कि ठीक है आपका कोई फेवरेट टॉपिक है उसे एक्सप्लेन कीजिए आप। तो इसका मतलब ये 50-50% चांस है या डिपेंड करता है सब्जेक्ट एक्सपर्ट के ऊपर कि वो आपको चॉइस देना चाहता है या नहीं देना चाहता। तो आप दोनों सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करें अपने आप को, कुछ अपने फेवरेट टॉपिक्स भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखें, और हर तरह से कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा तो मैं उसका हर तरह से आंसर देने को तैयार हूं। अगर ऐसा मिल जाता है तो सोने पे सुहागे वाली बात है कि जो आपके फेवर में बात चली जाएगी, बट हो सकता है कि जो मेंबर है वो अपनी च्वाइस से आपको टॉपिक दे दे आपकी च्वाइस ना पूछे, तो उस सिनेरियो के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना है जी। देखिए जैसे यही है ना कि सर एक मिनट मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था जी जी। तो वहाँ से बहुत से एस्पिरेंट की ये भी मतलब एक क्वेरी थी कि सर देखो ये भी है कि जो हिंदी बेल्ट है वो वहाँ पे बच्चे जो हैं इंग्लिश में इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, तो पूछना चाह रहे थे कि इंटरव्यू कैसे होगा। तो वो डिपेंड करता है, जैसे सर ने बोला और सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी कि जब इंटरव्यू वाला मेरे से अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहा था तो मैं इंग्लिश में उसका जवाब दे रहा था, अगर मेरे से हिंदी में क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने हिंदी में उसका जवाब दिया। इसका मतलब बाइलिंगुअल हमारा चल रहा था, प्योर इंग्लिश नहीं था। आपको भी यही ध्यान रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जाता है स्पेशली आपके सब्जेक्ट का, अगर इंग्लिश में आपसे पूछा गया तो उसकी एक्सप्लेनेशन आप इंग्लिश में ही करके दें, और कोई हिंदी में आपसे क्वेश्चन पूछता है तो उसका जवाब आप हिंदी में दें। और इंग्लिश फ्लुएंसी देखो वैसे तो ज़रूरी है क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम को पढ़ाएंगे तो इंग्लिश तो आपको आनी चाहिए, ऑल इंडिया कहीं भी आपकी पोस्टिंग आ सकती है। सपोज करो साउथ में अगर आपकी पोस्टिंग आ गई और आप हिंदी में पढ़ाना चाहोगे तो बात नहीं बनेगी। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम को पढ़ा रहे हैं, वो आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री तो इंग्लिश में है ही है, और मैथमेटिक्स और साइंस भी तो सर इंग्लिश में ही है, दो टीचर्स को छोड़ के संस्कृत टीचर को और हिंदी टीचर को, उनको तो अपनी लैंग्वेज में ही पढ़ाना है, तो वो इस बात से ना डरें कि हमें इंग्लिश बोलनी है। हाँ, बेसिक नॉलेज इंग्लिश का उनको होना चाहिए, बाकी हर टीचर को मेंटली इस बात के लिए तो प्रिपेयर होना है कि मुझे इतनी इंग्लिश तो आए कि मैं अपने सब्जेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, किसी के साथ कम्युनिकेट करना हो तो मैं इंग्लिश में कम्युनिकेट कर दूं, क्योंकि ये समस्या आपके सामने आएगी। अगर आप साउथ इंडिया में आपकी कहीं भी पोस्टिंग होगी तो आपको हिंदी वहाँ पर नहीं चलने वाली, वहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा तो नहीं चलने वाली, वहाँ तो क्लासरूम में तो आपका जो ट्रांजेक्शन है वो इंग्लिश में ही होने वाला है। तो इंटरव्यू बोर्ड इस बात की तो अपेक्षा आपसे रखेगा कि इतनी अच्छी इंग्लिश तो आपकी हो कि आप उसमें अच्छे से बात कर पाए। हालांकि अगर आप फ्लुएंट नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्लुएंसी तो समय के साथ आ जाती है जब आप यूज़ करेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही नहीं आती। और एक दूसरी बात यह है कि लोकल टच तो देखो होता है, आपने मेरी लैंग्वेज में भी आपको लोकल टच दिख रहा होगा हरियाणा का, तो वो तो जाने वाला तो नहीं है, बट थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं उस लोकल टच को दूर करने की। तो इंटरव्यू आप ये समझ लेंगे कि बाइलिंगुअल ही रहने वाला है, हिंदी इंग्लिश मिक्स चलेगा, प्योर हिंदी नहीं चलेगी, प्योर इंग्लिश है तो बेस्ट है, नहीं है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है बिल्कुल। तो जैसे सबसे पहले आप अंदर इंटर करेंगे और आप ठीक है जैसे पैनल में आपको बैठे होंगे, बेंचेस होंगे, वहाँ पर आपके 4 या 5 आपके जो एक्सपर्ट हैं वो बैठे होंगे, तो सबसे पहले जब आप ठीक है बैठेंगे तो थोड़ा बैठने का भी पोजीशन बिल्कुल आप देख लीजिएगा कि इंटरव्यू आपका हो रहा है, आप एक नॉर्मल क्लास में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले तो आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ही होगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब लगभग आपने बनाना ही है तो आप एक बार ना ठीक है लगभग अपना जो इंट्रो है
उसको एक कॉपी में लिख लीजिएगा कि ठीक है मेरा नाम ये है, मैं ठीक है इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, मैंने इस समय बीएससी की, इस समय एमएससी की, अपनी क्वालिफिकेशन, या थोड़ा सा कुछ और बेटर भी बताना चाहते हैं तो आप बता लीजिए। फिर आपसे ठीक है क्या होता है, जिस समय इंटरव्यू होता है तो उससे पहले ही आपसे एक ठीक है बायोडाटा होता है, उसमें फॉर्म ठीक होता है, तो वो जो बायोडाटा की कॉपी होती है वो हर एक्सपर्ट के पास ले जाएंगी, तो उसमें थोड़ा बहुत आपका इंट्रोडक्शन भी होता है, तो उस इंट्रोडक्शन में आप सोच समझ के ही कुछ डेटा लिख लेगा। ऐसा नहीं कि अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें आप लिख दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ कि वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, जैसे आपने लिख दिया, आपने स्पोर्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा लिख दिया, तो वहाँ पर जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो आपसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे, तो इसलिए कि पूरा थीम ही चेंज हो सकता है। कई बार ये होता है कि आपकी हॉबीज क्या है, बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक कुछ लिख दिया ऐसा वैसा लिख दिया, मुझे ये खेल पसंद है, ये वाला है, ये चीज़ कुछ और ऐसा लिख दिया रीडिंग में, अगर आपने लिख दिया रीडिंग मेरी हॉबी है, तो बोलेंगे ठीक है बताओ लास्ट वीक आपने कौन सी बुक पढ़ी। हाँ तो ये चीज़ है, लिखना वही है जिसमें आपको पता है, जिसको पता है तो जवाब दे, जब मैं उसमें बिल्कुल कैसे क्या होऊंगा कंफर्टेबल ठीक है होऊंगा करके चीज़ें, ये चीज़ है। तो मेन चीज़ ये है कि आप जब ठीक है कोई भी एक ठीक है टॉपिक को ठीक है पकड़ते हैं, टॉपिक को पकड़ते हैं, तो आप कभी ये मत सोचिएगा कि आपका जो, जैसे आप गूगल करेंगे तो गूगल में भी इंटरव्यू से रिलेटेड आपको बहुत सारे फैक्ट नजर आएंगे, बिल्कुल सही है, वो कॉमन होते हैं, जो जिन्होंने लिखे होते हैं काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन एक चीज़ मान के चलेगा कि हमेशा सिचुएशन सेम नहीं होती। जैसे मान लो मैं भोपाल में था तो मेरी सिचुएशन ठीक है डिफरेंट थी, मुझसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, अगर सपोज करो कि मेरा दूसरा इंटरव्यू होता कहीं पर और मैं लखनऊ में होता तो सेम सिचुएशन नहीं होती ना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। आपको गूगल वाला कॉपी नहीं करना है ना, बिल्कुल नहीं करना है, ऐसा लिखा है, बिल्कुल 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 ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा अपना ठीक है क्या ब्रेन भी क्या करना है आप लोगों को यूज करना है। और एक चीज याद रखिएगा कि जब आप कोई भी ठीक है चीज बोलोगे, जैसे मुझसे पूछा कि जिस समय आप केवी में थे तो उस समय ठीक है प्रिंसिपल क्या थे, तो वो तो आप मान लीजिए होपफुली ठीक है मुझे उन प्रिंसिपल का नाम याद था तो इसलिए मैंने उन प्रिंसिपल का नाम ठीक है आपको बता दिया। तो इसलिए जैसे मेरा पॉइंट क्या था, जैसे मैं इंटर किया तो मैंने बताया कि मेरी क्वालिफिकेशन केवी में हुई, तो उन्होंने जैसी केवी सुना तो सोच लीजिए उन्होंने कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने जैसे मैं अगर आपसे एक दो क्वेश्चन शेयर करूं तो उन्होंने मुझसे ही पूछा, पहले प्रिंसिपल सर का नाम पूछा मुझसे तो मैंने प्रिंसिपल सर का नाम बता दिया, तो फिर उसके बाद वो मुझसे ये पूछे कि आपका ठीक है जो प्रिंसिपल सर थे तो उनकी कुछ बैड क्वालिटीज होंगी और कुछ गुड क्वालिटीज होंगी, ठीक है तो फिर वो बताइए। तो मैं यहां पे एक बात और बताना चाहूंगा, आप कंटिन्यू करना, यहां देखिए आप, यहां पूरा एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है और यहां वो आपकी साइकोलॉजी पकड़ते हैं। जैसे सर ने पूछा ना, सर से क्वेश्चन पूछा कि आप अपने प्रिंसिपल की अच्छी और बुरी बात बताइए, अगर आपने सर्वात बुराइयों से कर दी या आपने अच्छाइयाँ कम बताई बुराइयाँ ज़्यादा बताई, तो ये अनुमान लगा लेंगे कि नेगेटिव थिंकिंग का कैंडिडेट है ये, और उस दौरान वो है ना रेयरली ही सोचेंगे आपके बारे में। वो पूछते भी इसीलिए, मेरे से भी एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने मेरे से एक पूछा था कि क्या एजुकेशन में पॉलिटिक्स नहीं चल रही, वो ये चाह रहे थे कि मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट कर दूं। बिल्कुल सर, वही चाह, मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट करूं या मैं अपना पॉलिटिकल व्यू रख दूं कि मैं इस पार्टी का समर्थक हूं, ये पार्टी ऐसा कर रही है, तो आपको इन चीज़ों से बचना है, आपको अपने इंटरव्यू में कभी भी कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं करना है, वहाँ पर बिल्कुल आपको अनबायस्ड रहना है, न्यूट्रल दिखाना है। और जैसे सर ने बोला ना कि प्रिंसिपल सर की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बताइए, आप बुराइयाँ बताओगे तो वो पकड़ेंगे आप, वहाँ पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल सकते थे सर देखो ऐसे तो मुझे तो हमारे प्रिंसिपल सर में कोई बुराई नहीं लगी, अच्छे इंसान थे, विद्यालय के लिए अच्छा करते थे, और समय समय की बात होती है सर, परिस्थितियाँ आदमी से बहुत कुछ करवाती है, तो जो आप कोई भी उसका एक पॉजिटिव और अच्छा सा आंसर दे सकते हैं, और आंसर ऐसा ही देना अगर उसमें से कोई काउंटर क्वेश्चन आ जाए तो उसका आप आंसर फिर से देख पाओ, तो सर आगे बताएंगे उसमें क्या हुआ। हाँ तो फिर बेसिकली मैंने यही बोला, क्योंकि जो प्रिंसिपल सर हैं वो अगर जैसे आप में से कुछ विद्यालय में पढ़ाते हैं, किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, तो आपको बता वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन होते हैं, ठीक है, तो मैंने उनको दो चीज़ें बताई, ठीक है, मैंने कहा सर मैं अगर एज अ ठीक है स्टूडेंट देखूँ तो उनमें मुझे कुछ गुड क्वालिटी भी लगती थी, और एज अ स्टूडेंट, मैं अभी करंट की बात नहीं कर रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट मुझे कुछ बैड क्वालिटी भी लगती थी, क्योंकि आपको पता है जब हम लोग छोटे होते हैं, जब 11th और 12th में होते हैं तो क्या क्या अच्छा है करके हमारी कुछ अलग ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो मैंने कहा गुड क्वालिटीज में था कि वो हर बच्चे को इक्वली ट्रीट करते थे, ठीक है, तो उनमें से वो देखते थे कि जो ब्राइट स्टूडेंट है तो उनके लिए वो अलग क्लासेस कंडक्ट कराते थे, कुछ एवरेज स्टूडेंट है तो उनके लिए अलग कराते थे, ठीक है, और हम लोगों को हमेशा हर चीज़ में वो क्या करते सपोर्ट करते थे, ठीक है, अगर कोई स्पोर्ट्स का प्रोग्राम होगा, कोई कल्चरल प्रोग्राम होगा तो ठीक है, ये गुड हैबिट थी। तो मैं बैड हैबिट ये कहता था कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि वो संडे को भी हम लोगों की क्लासेस रखते थे, तो मतलब समझ रहे होंगे आप लोग लगभग में, तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो भी हमें बहुत बुरा बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट लेवल का ही होता ना वो, स्टूडेंट अकॉर्डिंग आंसर में प्रेजेंटली सिचुएशन हमारे साथ भी सेम है, मुझे याद आया कि हम भी बहुत बुरे हैं क्योंकि हम यहाँ जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे जो फैमिलीज हैं बच्चों की, जो पेरेंट्स हैं,
वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है। हम लोग करते क्या है, छुट्टी वाले दिन भी बच्चों को बुला के रखते हैं। इवन हमारा जो टर्म ब्रेक होता है, हम विलन हो जाते हैं, टोटली विलन हो जाते हैं। 10 डेज का टर्म ब्रेक होता है तो हम लोग 10 डेज में बच्चों को नहीं छोड़ते। हमारा जो समर ब्रेक होता है 10 डेज का, हम उसमें भी बच्चों को बुला लेते हैं। हम संडे को भी बच्चों को बुला लेते हैं एक्स्ट्रा क्लास के लिए, क्या और संडे को तुम्हारी क्लास लगी। लेकिन अच्छी बात है, हम अपने बच्चों को बहुत अच्छा मानते हैं कि एक्स्ट्रा क्लास को कोई बच्चा बैंक नहीं करता। अगर क्लास में जितने भी बच्चे हैं बोल दिया कि इस टाइम को आना है तो हर बच्चा आता है। तो पता नहीं, वो हमें जैसे सर की बात सुन के मुझे याद आया कि छुट्टी वाले दिन भी बुला लेते हैं तो बुरा बोलते थे, तो पता नहीं हमारे बच्चे क्या सोचते हैं। बट हम यही सोचते हैं कि अगर एक दिन में हमने उनको कुछ भी बताया तो अगर उन्हें 1% भी लर्न किया तो उनके भविष्य के लिए वो अच्छा ही रहने वाला है। भले ही आज हमें वो बुरा कहें लेकिन आने वाले समय में वो बोलेंगे कि हाँ सर ने हमारे लिए ठीक ही किया था जो किया था वो। बिल्कुल ठीक है। तो वो आपसे हमेशा, जैसे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं वो तो सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पूछेंगे, लेकिन जो बाकी प्रिंसिपल सर हैं वो कुछ एक्स्ट्रा भी आपसे पूछ सकते हैं। वो बोलेंगे कि बताइए कि आप स्टडीज़ के अलावा बच्चों के लिए और क्या कर सकते हैं, स्टडीज़ के अलावा आप क्या कर सकते हैं। तो आप बोलना सर स्टडीज़ के अलावा ठीक है, अगर मुझे ठीक है मौका मिलता है तो मैं उनको ठीक है थोड़ा सा स्पोर्ट्स में भी ठीक है मोटिवेट कर सकता हूँ, या मैं उनको कल्चरल प्रोग्राम पर भी ठीक है मोटिवेट कर सकता हूँ, या स्कूल में आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि स्कूल में स्टडीज़ के अलावा भी बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे इंस्पायर अवार्ड होता है ठीक है, NCSC होता है ठीक है, बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मैं उनके लिए उनको क्या करूँगा, मोटिवेट करूँगा। मतलब KVS के अंदर को करिकुलम एक्टिविटीज़ बिल्कुल पैरेलल चलती है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है कि आपने टोटल पढ़ाई पे बच्चा हाँ किताब पे ही निर्भर है। KVS के अंदर अकेले बच्चे को बुकिश नॉलेज नहीं दिया जाता, यहाँ बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। उसको आर्ट्स के अंदर भी मोटिवेट किया जाता है, उसको पेंटिंग में, उसको कैलीग्राफी के अंदर, या उसके अंदर कोई साइंटिफिक एटीट्यूड बच्चे के अंदर है तो उसके अंदर जैसे इंस्पायर अवार्ड होता है, NCSC है, और जो ऐसे बहुत से प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास आते हैं तो हम बच्चों को उसके अंदर। अब जैसे एक प्रेजेंटली आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ सर, कौन सा था जिसमें हमारे 2 बच्चे थे जिनको इंस्पायर अवार्ड में, इंस्पायर अवार्ड के इंचार्ज थे सर, और 2 बच्चों को सर ने गाइड किया। एक क्लास एक सर 8th class का, एक 10th class हाँ, एक क्लास 8 का था, क्लास 10 की एक लड़की थी। सर ने दोनों को गाइड किया, एक प्रोजेक्ट सर ने बनवाया उनसे और वो सर ने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए भेजा। दोनों बच्चे सेलेक्ट हो गए और दोनों बच्चों को 10,000 रुपये का प्राइज़ मिला। तो हमारे विद्यालय के लिए भी ये गर्व की बात थी और सर के लिए भी तो है ही। बिल्कुल सर, तो ऐसे ऐसे KV के अंदर बहुत से प्रोग्राम चलते हैं। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आप KV टीचर बन गए तो आपको सिर्फ सब्जेक्ट ही पढ़ाना है, आप ऑलराउंडर काम करेंगे वहाँ पर। जैसे कि क्रिकेट में ऑलराउंडर होता है ना, बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है, कीपिंग भी कर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। तो सिम जैसे अभी सर ने आपको बताया कि जैसे हम लोग जिस अभी ठीक है एरिया में हैं तो वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ठीक है एजुकेशन का उतना लेवल तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने लिए बेटर क्या कर सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डिफेंस एरिया बहुत ज़्यादा है, तो डिफेंस एरिया बहुत ज़्यादा है तो हम लोग बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, खासकर जो 9th हाँ बिल्कुल NDA के बारे में बता सकते हैं, उनको CDS के रिगार्डिंग ठीक है आपको बता सकते हैं। तो ये आप अपना ठीक है ओवरऑल ठीक है क्या बता सकते हैं, डेवलपमेंट बता सकते हैं कि मैं बच्चों के लिए क्या कर सकता हूं। क्योंकि फाइनली क्या है कि जो हम लोग जिस संगठन में हम लोग हैं, हम लोग ठीक है बच्चों के लिए बिल्कुल 100% है। और ये मान के चलिएगा कि ये जो आपकी ये जॉब है ये केवल आपकी स्कूल आर से नहीं है, आप स्कूल आर से भी ठीक है पहले बच्चों से ठीक है और स्कूल आर के बाद भी आपकी है, आप कह सकते हो बिल्कुल आपको किसी समय भी बुलाया जा सकता है। तो आप लोगों को ये बताना है कि मैं बच्चों के लिए स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए मैं हमेशा 100 ठीक है क्या होता है परसेंट और 24/7 ठीक है टाइम क्या हूँ बताऊँ मैं अवेलेबल हूँ। जैसे उसी का एक एग्जांपल बताऊँ, कुछ लोगों को ये होता है कि अगर PGT है तो 11th क्लास ही लेता है, ऐसा नहीं होता है। हम जैसे बोला कि हम बच्चों के लिए हैं और हमारा टाइम बच्चों के लिए है। हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हम जिस स्कूल के अंदर हैं वो सिंगल सेक्शन स्कूल है, तो हमारे स्कूल में TGT साइंस की पोस्ट वैकेंट है, TGT साइंस नहीं है। तो TGT साइंस में हम लोगों ने अब कर क्या रखा है, क्लास 6 मेरे पास है, क्लास 7 बायोलॉजी सर के पास है, क्लास 8 सर के पास है, उसके बाद क्लास 9 का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पोर्शन हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फिजिक्स को मैं पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री को सर पढ़ाते हैं, बायोलॉजी को बायोलॉजी वाले सर पढ़ाते हैं 9 में और 10 में, और उसके बाद 11th 12th के हमारे जो पीरियड है वो तो हमारे है ही है, वो तो हमें लेने ही हैं। तो हमें जो क्लास 6 ऑनवर्ड भी हमें कभी कभी डेप्यूट कर दिया जाता है तो वो ड्यूटी भी हमें ईमानदारी से करनी होती है। वहाँ पर आप ये आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि मैं तो PGT हूँ मैं ये क्लास नहीं लूँगा, ये आप नहीं बोल सकते क्योंकि आप बच्चों के लिए अपॉइंट किए गए हो। तो आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि मान लीजिए कभी आपको जिम्मेवारी दी जाए किसी छोटी क्लास की तो आप बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे, तो उसमें आप कोई भी बता सकते हैं अपना आंसर कि बच्चों के लेवल में जाके
और वहाँ भी अगर जाऊँगा तो मेरे लिए फ़ायदा है, क्योंकि मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा छोटे बच्चों के पास जाके, और वहाँ पे जो कुछ भी मुझे आता है वो मैं बच्चों को अच्छे से वहाँ पे अपना जो जितना भी नॉलेज वो बच्चों के साथ संप्रेषित करूँगा और बच्चों को एक अच्छे लेवल पे लाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि इन फ्यूचर अगर मान लीजिए एक स्कूल में आप 5 ईयर्स रहते हो, जैसे हम लोगों को, मुझे 4 ईयर्स हो गए स्कूल में और सर को 2 ईयर्स हो गए, अभी सर ट्रांसफ़र ले गए हैं, तो 4 ईयर्स होने का मतलब ये है कि जो बच्चा 7th क्लास में था वो मेरे पास 11th क्लास में है, और जो उस टाइम 8th क्लास में था वो अभी 12th क्लास में मेरे पास आ जाएगा, वो अभी 11th का एग्जाम दे रहा है, 7th वाला 10th में आ चुका है, वो अभी 11th में आ जाएगा, 11th वाला मेरे पास 12th में आ जाएगा। तो उन बच्चों को कंटिन्यूसली अगर मैं देख रहा हूँ क्लास 7-8 से, तो मतलब उनमें जितना भी इंप्रूवमेंट हो रहा है तो वो सारे मेरे ही प्रयास हैं। अगर वहाँ नहीं हो रहा कुछ इंप्रूवमेंट बच्चे में, तो उसके 2 ही रीज़न हो सकते हैं, या तो मैंने अच्छे से मेहनत बच्चे के ऊपर नहीं की, या बच्चे का लेवल इतना नहीं था कि वो साइंस में आ गया लेकिन उसका जो आईक्यू लेवल था थोड़ा सा कमज़ोर था, वो देखो दूसरा सिनेरियो, उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बट अगर 4 साल एक बच्चा आपके पास रहता है और उसके बावजूद अगर वो कमज़ोर है तो बोल सकते हैं कि आपने काम ही नहीं किया, है ना। तो ये KVS के अंदर एक बहुत जिम्मेवारी वाली जॉब है, यहाँ पर आप कोई भी किंतु परंतु नहीं कर सकते। और सिंपल से एक बात ये भी, एक टीचिंग के साथ साथ आपको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी बहुत करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल मैं टाइम टेबल इंचार्ज हूँ, पूरे स्कूल का मुझे टाइम टेबल देखना पड़ता है। सर हमारे एग्जामिनेशन सेल के को इंचार्ज भी हैं और मेंबर भी हैं, तो जो मेन इंचार्ज हमारे बायोलॉजी सर हैं, अगर वो नहीं रहते तो सारा काम सर करते हैं, सिटिंग प्लान बनानी, क्वेश्चन पेपर्स को प्रिंट करवाना, बच्चों की सिटिंग प्लान बनानी, तो मतलब आपको यहाँ पे एकेडमिक में एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो भी आ जाता है। इसके साथ आपको जैसे गार्डनिंग कमेटी बनती है उसका मेंबर बना देते हैं, CBSE सेल है उसका इंचार्ज आपको बना देंगे, बच्चों का एनरोलमेंट वगैरह करना है। प्रेजेंटली सर इतना है कि UDISE का काम था पूरे स्कूल का, अकेले सर ने किया है। तो टीचिंग के साथ साथ आपको ये काम भी मिलते हैं, लेकिन ये काम आपको स्कूल आवर्स में ही करने होते हैं, स्कूल आवर्स में लेंगे जो आपका वैकेंट पीरियड आपको देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि आपको कंटिन्यूस लगा के ही रखते हैं, यहाँ पे KVS ने कुछ शेड्यूल भी बना रखा है कि इस टीचर को इतने ही पीरियड देने हैं, तो जो आपका जो फ्री पीरियड होगा उसमें आपको एक्स्ट्रा काम भी मिल जाते हैं। तो काम करने का अगर आपका जज्बा है तो KVS से अच्छी जगह आपको नहीं मिल सकती काम करने के लिए। तो हाँ, तो सर एक दो चीज़ मुझे और याद आई, ठीक है मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो बेसिकली मैं कोचिंग में पढ़ा रहा था इससे पहले, तो लगभग ठीक है 13-14 ईयर्स मैंने कोचिंग में ही पढ़ाया। तो कोचिंग में मैं बेसिकली ठीक है केमिस्ट्री भी पढ़ाता था और थोड़ा बहुत ठीक है पोर्शन फिजिक्स का भी दिखता था। तो मैंने अपने बायोडाटा में फिजिक्स भी लिख दिया था तो फिजिक्स भी लिख दिया था। तो फिर सोच लो मैं वही बोल रहा ना, मैंने लिख दिया तो उन्होंने फिर मुझसे पूछा, उन्होंने फिर मेरे को एक कंडीशन सिचुएशन दे दी, बोला सर अच्छा आप फिजिक्स भी पढ़ाते? मैंने कहा सर हाँ मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ। तो बोला अच्छा, तो एक चीज़ बताइए कि अगर आपको वो सिचुएशन बोल ना सिचुएशन देते, तो वो बोल रहे थे कि अगर सपोज करो आप किसी KVS में गए और वहाँ पर ठीक है टीचर नहीं है तो क्या आप वहां पर ठीक है फिजिक्स भी पढ़ाएंगे? तो मैंने कहा डेफिनेटली सर, मैंने कहा ठीक है मुझे अच्छा लगता है ठीक है पढ़ाना, तो मैं उन चीजों भी करूंगा। तो अगर वो आपको कभी कंडीशन देते हैं कि आप ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे, तो आप हमेशा याद रखना कि उसमें अपना आंसर हमेशा पॉजिटिव ही देना। आप कभी ये मना मत करना कि सर ठीक है ये तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही पढ़ाता था थोड़ा सा, तो अब मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। आपने किसी मतलब, मैंने मतलब या तो लिखे नहीं, हाँ या तो लिखे नहीं या तो लिखा तो फिर आपको बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपको हमेशा एडमिट करना है कि सर मैं ठीक है कुछ भी कर सकता हूँ। और एक जैसे मैं बोल रहा ना सिचुएशनल क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, तो सिचुएशनल क्वेश्चन आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं, जैसे हम लोग का स्कूल में भी होता रहता है जब इंटरव्यू ठीक है, जब ठीक है हमारा इंस्पेक्शन होता है, तो बिल्कुल बिल्कुल, तो आपसे ठीक है वो क्वेश्चन ये भी इंटरव्यू पूछ सकते हैं कि आप ये बताइए कि अगर आपकी जो क्लास है उसमें आपके पास कुछ ब्राइट स्टूडेंट भी हैं कुछ और स्लो लर्नर भी हैं, तो आप ये बताइए कि आप ब्राइट स्टूडेंट के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है उनके बेटरमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, और कुछ स्लो लर्नर्स हैं तो स्लो लर्नर्स के लिए क्या कर सकते हैं। तो आपके पास आंसर इसका पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं कोचिंग में था तो हम लोग कभी टेस्ट लेते नहीं, बेसिकली हम लोगों का केवल ठीक है क्या होता है चीज़ों को सबको इक्वली ट्रीट करना पड़ता है, लेकिन ये अलग है, ये स्कूल है, ये स्कूल है, तो स्कूल में तो हर चीज़ आपको पता है मैटर करती है, पेपर ठीक है होते हैं, ये चीज़ होता है। तो आप ब्राइट स्टूडेंट के बोल सकते हैं कि सर ब्राइट स्टूडेंट है तो मैं उसके बेटरमेंट के क्या कर सकता हूँ, उसको थोड़ा कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की ठीक है क्या कर सकता हूँ प्रैक्टिस करा सकता हूँ, उसको थोड़ा मोटिवेट कर सकता हूँ कि आप अगर बायो फील्ड में हैं ठीक है तो आप नीट का फॉर्म फिल करिए, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में हैं तो इसके अलावा भी आपको फील्ड का बता सकते हैं। और अगर आपके स्लो लर्नर्स हैं तो स्लो लर्नर के लिए आप क्या करेंगे, कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लास में बहुत सारे स्लो लर्नर्स हैं, तो स्लो लर्नर के लिए आप सबसे पहले क्या करेगा कि जितने भी लास्ट ईयर के ठीक है क्वेश्चंस हैं मैं उनको क्या करूंगा बताओ, उनकी प्रैक्टिस कराएंगे ठीक है, और उन पे एक पर्टिकुलर अटेंशन देंगे, उन लोगों का डेली का उनको टास्क देंगे, डेली का उनको मॉनिटरिंग करेंगे। तो आपको कोई भी सिचुएशन ठीक है दे सकते हैं ठीक है, और वो रिगार्डिंग KVS ही होगा, क्योंकि KVS आपको सोच लो कि जो रिक्रूट कर रहा है तो वो चाह रहा है कि अगर मैं इस टीचर को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूँ, जैसे सर ने अभी कहा कि हम लोग PGT हैं,
अब हम लोग पीजीटी हैं तो ऑब्वियस बात है हम लोग यही सोचते हैं कि हम पीजीटी हैं तो हम केवल 11th और 12th क्लास को ही ठीक है करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपका स्कूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है, ठीक है, पढ़ाना पड़ता है। जैसे हम लोगों के स्कूल में अभी, ठीक है, कोई साइंस टीचर नहीं है, टीजीटी साइंस नहीं है, तो मैं 8th क्लास देख रहा हूँ, ठीक है, सर 6th क्लास देख रहे हैं, जो हमारे बाइबल सर हैं वो आप लोगों के 7th क्लास देख रहे हैं। तो आपको इक्वली आपको ये पता होना चाहिए कि आप 11th 12th को तो पढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आपको सिचुएशन आई कि अगर आपको 8th क्लास पढ़ाना है, अब आप सोचिए कि 8th क्लास में और, ठीक है, 11th क्लास के 12th क्लास में जो, ठीक है, केमिस्ट्री है या जो साइंस है टोटली डिफरेंट हो जाती है। वही आप तो अनुमान लगा लीजिए, हाँ। आपकी क्लास 12 को पढ़ाते हुए क्लास 6 के बच्चे के पास आप चले गए कई बार तो ऐसी सिचुएशन आती है कि उनको रीडिंग नहीं आती और वो उन बच्चों को आपको डील करना होता है। तो इतने भी आपके अंदर थोड़ी सी योग्यता भी होनी चाहिए, और वो सिनेरियो अगर आपके सामने आ जाए, ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाए, इंटरव्यू वाला ऐसे रख दे, तो उस बारे में आप क्या जवाब देंगे, उसके लिए भी अपने आपको प्रिपेयर करें। सर वैसे हमारा वीडियो है ना बहुत लंबा हो गया, लगभग 38-40 मिनट का हो गया, तो ना अभी बेस्ट ऑफ लक नहीं बोलेंगे, अगर कुछ और बोलना चाहते हो, क्योंकि ज़रूर हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको इसमें बहुत नॉलेज मिल रहा होगा, तो अगर कुछ और एक्सपीरियंसेस हैं तो हम शेयर करें, अदरवाइज हमारे इस वीडियो का हम यहीं पे समापन करें। हाँ, बस आप लास्ट में बस केवल एक ही चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपसे कभी कोई सिचुएशनल क्वेश्चन ये पूछता है कि आपको सेम टॉपिक को अगर आपको बड़ी क्लासेस को पढ़ाना पड़े और सेम क्लासेस को अगर आपको छोटी क्लासेस को पढ़ाना पड़े तो आप उनको कैसे हैंडल करेंगे, तो आप ये बोल सकते हैं कि बड़ी क्लासेस को तो सर मैं, ठीक है, थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन छोटी क्लास के बच्चे हैं और उनको हमको साइंस में करना है तो हम उनमें थोड़ा सा क्या करेंगे, प्रैक्टिकली उनको एक्सप्लेन कर, प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। क्योंकि KVS में एक ICT के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है, ICT टीचिंग में, ICT का आप पता करना, टीचिंग में ICT क्या होता है, आप लोगों ने BED किया होगा तो वहाँ पे ऐसे टेक्निक्स जरूर यूज़ करते होंगे, और जो टीचिंग टूल्स होते हैं कोई भी चीज़ पढ़ानी है आपको, मान लीजिए आप छोटी क्लास में चले गए, छोटी क्लास में जाने का मीनिंग ये होगा कि आप 11 12 को छोड़ के आपको 6th क्लास में भेज दिया और वहाँ पे आप स्फीयर के बारे में कुछ बता रहे हो, सर्कल के बारे में कुछ बता रहे हो, सर्कल का एरिया निकालना बता रहे हो, ऐसा कुछ बता रहे हो, तो आपको उसका एक मॉडल बना के दिखा दो, और अगर मॉडल प्रिपेयर नहीं है तो क्लास के अंदर भी बना सकते हैं। क्लास के अंदर जैसे आपके पास ये कोई पेपर है और आपको सिलेंडर पढ़ाना है तो ऐसा पेपर लो और बोलना कि सर अगर मेरे पास टीचिंग मटेरियल नहीं होगा तो क्लास में भी ऐसे बहुत सी चीज़ें होते हैं जिसमें बना सकता हूँ, जैसे पेपर से आप रिक्टेंगल का एग्जांपल बता सकते हो बच्चों को, देखो भाई रिक्टेंगल ऐसा होता है, अगर आपको इसे बनाना है तो आप इसको रोल कर लीजिएगा, है ना। तो ऐसी जो टीचिंग प्रैक्टिस हैं उनका भी आप थोड़ा ध्यान कर लें, BED और जो DED आपने की है उसके अंदर भी आपने ऐसी बहुत सी टीचिंग प्रैक्टिसेस की हैं, तो उस सिलेबस में भी एक बार देख लें कि किस प्रकार से हम जो टीचिंग एड्स हैं उनको यूज़ करके टीचिंग को ज़्यादा हम प्रभावी बना सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन टारगेट तो यही होता है कि जो कुछ मुझे आ रहा है वो बच्चे तक जाना चाहिए कैसे भी करके, उसके लिए भले ही आपको चाहे डांस करके दिखाना पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको लगता है कि मुझे डांस करके दिखाना है बच्चा इसे समझ जाएगा तो आपको डांस करके भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एक टीचर जो होता है वो आप बोल सकते हो कि मल्टी टाइप्स होते हैं उस टीचर की, वो एक्टर भी होता है क्योंकि टीचिंग में एक्टिंग तो आप करते ही हो अपने हाव भाव फिजिकल एक्सपीरियंस जितने भी, वो एक्टर भी होता है, तो वो बहुत सी टीचिंग मतलब टीचर को ऐसी आर्ट्स जो हैं वो आनी चाहिए, तो कुछ आप ऐसे सीख लें और ऐसे अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए इंटरव्यू में तो बोल दें कि हाँ सर मैं ऐसे ऐसे करके बच्चे को चीज़ अच्छे से समझा दूंगा, अगर लेकिन वो तभी बोलना जब आपसे पूछे, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करना है कि उसने पूछा ही नहीं आपने बता दिया सर मैं ऐसी एक्टिंग करके बच्चे को समझा दूंगा तो हो सकता है कि पासा दूसरी तरफ पलट जाए, है ना, ऐसा नहीं करना है, पूछा जाए तो उसमें आप इजी से ऐड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, लगभग ऑलमोस्ट सब सर ने बता ही दिया है, और एक चीज़ तो याद रखिएगा कि सिचुएशनल क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछ सकते हैं, क्योंकि ऑल एंड एवरेज क्या होगा कि लगभग 5 एक्सपर्ट वहाँ पर होंगे, और 5 एक्सपर्ट होंगे तो आप मान के चलिएगा कि अगर इंटरव्यू आपका बहुत ही बुरा भी हो रहा है, बहुत ही बुरा हो रहा है, तो फिर भी आपके 15 मिनट तो होंगे ही होंगे, और बहुत अच्छा होगा तो आपका हाफ एन आवर से भी ज़्यादा हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो कितने सेटिस्फाई कितने सेटिस्फाई। सिंपल सी बात ये भी है, अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट में हो गया तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इवनिंग में हो गया तो हो सकता है उनके पास टाइम कम होता है तब, तो तब आपका 15 मिनट को 5 मिनट पे भी ले आए वो 10 मिनट पे भी ले आए, तो तब आपसे क्वेश्चनिंग कम हो तो तब उनका पूरा फोकस आपकी पर्सनालिटी पे रहेगा, वो तुरंत चेक करेंगे कि क्या पर्सनालिटी है, और अगर आगे मॉर्निंग में तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगी। जी बिल्कुल ठीक है, और सिचुएशन क्वेश्चंस का तो आप हमेशा प्रैक्टिस करिएगा, मतलब ठीक है कि जहाँ भी आप गूगल में सर्च करिएगा या फिर कुछ भी देखिएगा, जैसे सिचुएशन ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि अगर सपोज करो कि कोई टीचर नहीं है,
और आपको अगर ठीक है प्राइमरी क्लास में अगर आपका ठीक है क्या लग गया अरेंजमेंट लग गया, आप मना नहीं कर सकते हैं, ठीक आपको जाना ही पड़ेगा, तो बोलेंगे बताइए आप प्राइमरी क्लास के जो बच्चे हैं उनको आप कैसे हैंडल करेंगे। अब वो बच्चे जो हैं ये बेसिकली पीआरटी के इंटरव्यू में पूछ सकते हैं आप लोगों से, ठीक है कि बताइए बच्चे बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं, तो अब आपको उनको क्या कराना है, चुप कराना है, तो आप क्या करेंगे सिचुएशन क्या करेंगे, ठीक है आप उनको डांटेंगे, उनको आप प्यार से बोलेंगे, क्या चीज़ करेंगे। तो देखो यही एक टीचर की ठीक है गुड टीचर की क्वालिटी होती है कि अगर वो टीचर आपका हायर क्लासेस में है तो हायर क्लासेस के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। अगर वो आपका सेकेंडरी क्लास में तो सेकेंडरी क्लास के उसमें एडजस्ट कर लेगा, और वो अगर प्राइमरी में है ना तो वो उनके साथ बच्चा ही बन जाएगा, वो बच्चा बन जाएगा और बिल्कुल जैसे वो बच्चे को ठीक है ट्रीट करते हैं तो उसी ट्रीटमेंट के हिसाब से। क्योंकि देखिए आपको रेगुलर क्लास में तो जाना नहीं है, आप लोगों को तो हायर क्लास में पढ़ाना है, अगर आप पीजीटी हैं तो आपको 11 12 पढ़ाना है या फिर जो भी सिचुएशन है, लेकिन उस टाइम पे आपको बिल्कुल उन्हीं के लेवल में जाके आपको उनको चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और बच्चों को हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स से रिलेटेड ठीक है, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, एक्टिविटी से रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं सर। तो सर ने अपना जो एक्सपीरियंस शेयर किया उसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना लंबा वीडियो देखा। और दूसरी बात यह है कि हम ये अपेक्षा भी करते हैं कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस थे सर ने जो शेयर किया, बीच में मैंने भी जो अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने लक्ष्य में कामयाब हों और जल्द ही हमारी मुलाकात हो, आपसे मिले हम केंद्रीय विद्यालय में, कि आप पीआरटी सेलेक्ट हो गए, टीजीटी सेलेक्ट हो गए या पीजीटी केमिस्ट्री या फिजिक्स सेलेक्ट हो गए, और तब हम आपसे मिलें तो हमें उसकी बहुत खुशी होगी। हम भगवान से प्रार्थना ही करेंगे कि आप अपने लक्ष्य में कामयाब हों।